हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट यूनिवर्सिटी में। आज भी आपके लिए कुछ नई चीज़ लेके आया हूँ। आपने अभी तक सुना होगा कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपके लिए हेजिंग रिक्वायर्ड है। अगर आपको हेजिंग क्या है उसके बारे में नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। वो हेजिंग नहीं जो हेजिंग आप देखते आए हो सुनते हैं, हेजिंग डिफरेंट ही कंसेप्ट है जो आप खुद भी बिल्ड कर सकते हो। पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है तो उसके बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, अगर वो आपको पता नहीं है। आज के वीडियो के बाद आपको वो भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हो। तो मोस्टली आपने सुना होगा कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, अगर आप कोई भी अनलिमिटेड रिस्क वाले कोई पोर्शन में पड़े हुए, चाहे वो फ्यूचर्स आपने बाय किया हो, फ्यूचर शॉर्ट किया हो, या फिर आपने ऑप्शन को सेल किया हो, ये तीन चीजें हैं जहां पे आप अनलिमिटेड रिस्क में रह जाते हो। तो उस हिसाब से, उस कंडीशन में आपको हेजिंग रिक्वायर्ड है। लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ और चीजें लाया हूँ जहां पे अगर आप ऑप्शन बाय करते हो, ध्यान से सुनना, ऑप्शन बाय करते हो उसमें भी आप हेजिंग लगा सकते हो। जी हाँ, आपने सही सुना है, उसमें भी आप हेजिंग लगा सकते हो। या आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, मैं मोस्टली वो नाम सब याद नहीं रखता, ये स्प्रेड फलाना ढिंकाना, वो काम का नहीं है। काम का है आपका कंसेप्ट। कहाँ पे भी आपको एग्जाम देखने नहीं जाना है कि इसका मतलब बताए, इसका मतलब बताए, ये अगर दो चीज़ें मिला दे तो क्या बनेगा, कोई मतलब नहीं है। लाइव मार्केट में काम आना चाहिए। मैं मेरा खुद का जो ट्रेड चल रहा है उसका भी एग्जाम्पल लेके आपको मैं लाइव ट्रेड दिखाऊंगा, तो चिंता मत कीजिए। क्यों वो ज़रूरी है? अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो तो आपको पता है मैं बहुत बार ऑप्शन बाइंग विद हेजिंग देता हूँ। कभी भी मैंने एक बार सिर्फ दिया था जहां पे बैंक निफ्टी का मैंने नेक्ड ऑप्शन बाय दिया था और उसका हमारा टारगेट भी हिट हो गया था, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया, कभी भी मैं ऑप्शन बाइंग आपको नेक्ड नहीं दूंगा, नेक्ड तो कभी नहीं दूंगा। दूंगा तो भी हेजिंग दूंगा, थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा लेकिन सेफ मिलेगा, सिक्योर मिलेगा। हम एक बिजनेस में, अगर बिजनेस में अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आपकी कोई पोजीशन है जहाँ पे आपको नींद नहीं आ रही है, देखना पड़ता है कि कल क्या होगा क्या होगा, तो वो बिजनेस आप कभी भी रन नहीं कर सकते। दूसरी बात, शायद ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं ऑलवेज वीडियो आपको लर्न करवाने के लिए बनाता हूँ। 10 मिनट का वीडियो बना दूँ, मुझे बहुत अच्छे व्यू आ जाए, मैं उसकी सीरीज बना दूँ कंटिन्यूसली, 5 पार्ट बना दूँ 10 10 मिनट के, उसका कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग ये है कि आपको अल्टीमेटली समझ में आना चाहिए। और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आप किसी चीज़ में पैसा कमाना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव टाइम फॉर लर्निंग। बिफोर लर्निंग यू कांट बी टेकन अर्निंग। ओके, बिना लर्निंग के आप अर्निंग नहीं कर सकते, एल नहीं ले सकते। पहले आपको लर्निंग करना पड़ेगा, फिर आप लर्निंग में से एल हटा के अर्निंग कर सकते हो, चाहे आप दुनिया के कोई भी बिजनेस में हो। तो वीडियो मेरे थोड़े लंबे तो रहेंगे, वो आप जानते हैं कि अगर मैं कभी भी आपको कोई सिखाना चाहता हूँ तो मैं पूरा का पूरा उसमें डीप चला जाता हूँ, जिससे आपके भी थॉट वहाँ पे खुले। तो चलिए, ये आपका हमारा आज का भाषण हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चले जाते हैं हमने कैनवास में, सिंपल चीज़। आज का हमारा टॉपिक क्या है, ये वीडियो पूरा देखना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कारगर होने वाला है। ऑप्शन बाइंग विथ हेजिंग, इसके बाद का वीडियो रहेगा ऑप्शन सेलिंग विथ हेजिंग, वो तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन ऑप्शन बाइंग विथ हेजिंग मैं आपको आज बताने वाला हूँ। पहली बात, अगर आप कोई ऑप्शन बाय कर रहे हो, चाहे सीईओ चाहे पीईओ, तो क्या होगा आपका व्यू अकॉर्डिंग टू दैट। अगर आप सी बाय कर रहे हो तो आपका व्यू है प्योर बुलिश एंड क्विक बुलिश। अगर आप पी बाय कर रहे हो तो आपका व्यू क्या है, प्योर और क्विक बियरिश। और अगर आप वीकली बाय कर रहे हो, मतलब सुपर बियरिश और सुपर बुलिश, क्योंकि वीकली में टाइम वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम होता है। हमने ग्रीक्स के बारे में बात कर लिया था, यहाँ पे हम ग्रीक्स विक्स का भी मार्केट की कोई मोह माया हम यहाँ पे लाने वाले हैं ही नहीं। आपको यहाँ पे सिंपल करना है, पीसफुल मनी आपको कमाना है, भले थोड़ा कम मिले लेकिन पीसफुल मिलना चाहिए। आपको रात को उठ के डाउ ना देखना पड़े कि डाउ क्या कर रहा है, एसजेक्स क्या कर रहा है। सुबह 9 बजे टर्निंग होने जाना चाहिए कि क्या होगा क्या होगा, मेरी पोजीशंस का क्या होगा, मैनेज करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वो कोई चीज़ आप नहीं करना चाहेंगे। आज के वीडियो के बाद अगर आप थोड़े भी स्मार्ट रहोगे, थोड़े भी स्मार्ट रहोगे, तो अगर आपका व्यू गलत भी हुआ फिर भी आप पैसा कमा के जाओगे। ध्यान से सुनना, अगर आपका व्यू गलत भी रहा फिर भी आप यहाँ से कोष्ट कोट या फिर पैसा कमा के जाओगे। यहाँ पे टोटली लेस रिस्क और नो रिस्क का मामला है, लेकिन आपको इसको पूरा डीपली समझना पड़ेगा, मीनिंग क्या है, क्या करना क्या चाहते हैं, एक चीज़ समझिए।
मैं यहाँ पे कैनवास खाली कर देता हूँ। मान लीजिए अभी अभी स्पॉट प्राइस निफ्टी का चल रहा है 14800, समझिएगा 14800, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है? अगर आप टेक्निकल नहीं जानते, कोई आपके पास न्यूज़ नहीं है, कुछ है नहीं, और अगर आप ऐसे ही सोच रहे हो कि ऊपर जाएगा, तो मतलब आप गैम्बलिंग कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे हम गैम्बलिंग भी विथ हेजिंग करेंगे, यानी अगर आप गैम्बलिंग में भी हारे तो भी पैसा कमा के जाओगे, ऐसा कुछ चीज़ हम यहाँ पे करने वाले। आराम से सुनना, अगर आप 14800 पे देख रहे हो और आपको लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है, आपको किसी ने बता दिया, फिर आपने टेक्निकल भी कर लिया, आप जानते हैं टेक्निकल 10% काम करता है, ज़्यादा काम करता नहीं है, टेक्निकल आपको ट्रैपिंग करने के लिए ही होता है। तो आपने क्या किया, आपने 14900 का कोई कॉल बाय कर लिया, वो भी वीकली, आप तो डेयरिंग बास तो है ही, वीकली बाय कर लिया, जो आपको शायद, मैंने अगर आपने फ्राइडे बाय किया होगा तो शायद आपको 170 अराउंड शायद मिल रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन विक्स। विक्स का बहुत बड़ा रोल होता है ऑप्शन बाइंग में, तो बहुत ही बड़ा होता है। लेकिन जब हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ है, सभी मोह माया से परे ये चीज़ है, आपको आराम से लेटे लेटे जूस पीते पीते देखना है बस, और कुछ नहीं। मैं आपको खुद के जो भी मेरे पोजिशन चल रहे हैं उसका भी मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा, और इमोशन कैसे इसमें काम आता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि रिटेलर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है इमोशन, और ऑप्शन में तो वो इमोशन आपके इतना हावी हो जाता है कि आपका विनिंग ट्रेड भी आप लूजिंग ट्रेड में उसको कन्वर्ट कर देते हो, सिंपल। तो अभी मान लीजिए 170 में आपने बाय किया, फिर आप उसको ओवरनाइट कैरी कर रहे हो, और मंडे यानी कि 2 दिन तो यहाँ पे आपके चले गए, यानी कि टाइम देखिए तो हो ही गया होगा। मंडे मान लीजिए मार्केट 100 पॉइंट डाउन खुला, टाइम डिके प्लस 100 पॉइंट डाउन, यानी कि डेल्टा भी इसमें काम करेगा, डेल्टा इस 0.4 जितना रहेगा। तो मान लीजिए आपका ऑप्शन यहाँ पे खुल रहा है 110 रुपये पे, 110 पे, यानी कि आपको क्लियर कट फ्राइडे के दिन आपने लिया था, मंडे जब मार्केट ओपन हुआ आपको -60 पॉइंट का यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। आपको पता है आपके पास पूरा वीक है, फिर भी आप इससे निकलने का काम करोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे -60 पॉइंट दिखा रहा है, 60 × 75, आपको सीधा यहाँ पे 4500 का लॉस दिख रहा है। मार्केट ओपन होते ही 4500 का लॉस यहाँ पे आपको रेड में दिख रहा है। रेड कलर तो मेरे ख्याल से कोई भी रिटेलर को पसंद आता ही नहीं, अगर वो जब से आपको पसंद आना आ जाए, समझ लीजिए आप पक्के ट्रेडर बन गए हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको जब से अपने ट्रेड बुक में या फिर अपने PNL में रेड कलर पसंद आना आ जाए, तब आप पक्के ट्रेडर बन गए, समझ लेना। बहुत ही बड़ा मीनिंग है ये, आराम से समझना, और अगर समझ में आया तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना। और वो सीन कब होता है, जब आप 6 साल 7 साल मार्केट में निकाल लो, क्योंकि फिर वहाँ पर रेड कलर बहुत कम आते हैं, और रेड आते तो आपको लर्निंग देके जाते हैं कि अच्छा मैंने ये गलती की थी, ये गलती की थी, तो आपको वो रेड कलर पसंद आते हैं। अभी तो किसी को भी पसंद नहीं आते होंगे, सिंपल चीज। फिर मान लीजिए नेक्स्ट डे निफ्टी गैप अप ओपन हुआ 300 पॉइंट, आपने तो ये निकाल दिया है, यही ऑप्शन जो आपने फ्राइडे को बाय किया था मंडे को निकाल दिया, वो अभी बन गया है 230 रुपये का, मान लीजिए। आपको क्या लग रहा है, अरे यार मेरा व्यू सही था, सब कुछ सही था, लेकिन मैंने पैनिक में ये निकाल दिया और आखिर में मुझे ये प्रॉफिट होता, लेकिन मैंने इसको लॉस में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका सिंपल एक ही दुश्मन यहाँ पे है, और वो है, पढ़िए पढ़िए, इसका मैं दूसरा नाम भी देता हूँ, फियर। मैं इमोशन को फियर भी बोलता हूँ, क्योंकि आप फियर में कोई भी पोजीशन को एग्जिट करते हो, अगर आपको थोड़ा प्रॉफिट मिल जाए तो आपको ठंडा नहीं लगती है, यार कहीं ये चला ना जाए, आप लॉस पूरा बुक करते हो लंबे तक, लेकिन प्रॉफिट अगर यहाँ पे आपको 2000 का भी दिखता है, जल्दी से बुक कर लो, कहीं छूट ना जाए, कहीं मार्केट मुझसे ले ना ले, फिर भले वो ही 2000 आपका 200-2 लाख बन के देता, लेकिन आप 2000 में निकाल दोगे, क्यों? क्योंकि आपको ठंड लग जाती है। रिटेलर को प्रॉफिट संभालना आता ही नहीं है, और लॉस लेना तो वो बचपन से सिखा रहा है, आपको लॉस को संभालने का या फिर लॉस झेलने का तो ट्रेनिंग बचपन से ही मिला हुआ है, ये आप समझ लीजिए। अभी ये चीज़ हो गया, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, ये नॉर्मल बात हो गई, यहाँ पे आपका इमोशन बहुत ही ज़्यादा काम आता है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे जो स्ट्रेटेजी के बारे में, वहाँ पे आपका इमोशन जो है वो बिल्कुल काम नहीं आएगा, आपको मैं कैलकुलेशन के साथ सिखाऊंगा। अभी आपको करना क्या है ये समझिए, मान लीजिए अभी स्पॉट चल रहा है 14800 पे, ध्यान से समझिएगा, अभी हमारी स्ट्रेटेजी स्टार्ट हो रही है, ये आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, सुना होगा,
मैं स्ट्रेटजी का नाम नहीं लेता कभी भी, मुझे याद रहता भी नहीं, याद रहने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको मतलब पता होना चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। नाम कहीं आपको लिखने जाना है नहीं, आपको कहीं एमसीक्यू देने जाना है नहीं, मीनिंग आपको पैसा कमाने देना चाहिए वो स्ट्रेटजी, वरना वो स्ट्रेटजी कोई काम की नहीं है जो आपको पैसा कमा के नहीं दे। 14,800 पे चल रहा है आपका व्यू, बुलिश है। अभी आप करेंगे क्या? वीकली अगर ले रहे हैं, डेयरिंग बाज है, साउथ के हीरो, कोई बात नहीं। 14,900 की आपने कॉल ले ली 175 में, साथ में आप क्या करेंगे? 100 पॉइंट ऊपर 15,000 की एक कॉल बेच देंगे, वो शायद आपको मिल रही होगी 100 पॉइंट में। एग्जांपल मान लीजिए ये क्या है, ये आपने बाय किया है, समझिएगा ये आपने बाय किया है, और ये आपने साथ में ही क्या किया है, सेल किया है। तो अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे सेलिंग किया तो आपको मार्जिन 1.5 लाख का लगेगा, बिल्कुल नहीं, क्यों? आपने एक ऑप्शन बाय भी किया है सेम एक्सपायरी का और एक ऑप्शन सेल भी किया है, यानी कि आपका जो रिस्क है वो यहाँ पे लिमिटेड हो चुका है, और आपका जो रिवॉर्ड है वो भी लिमिटेड हो चुका है। वहाँ पे आपको खुजली होगी कि नहीं मुझे तो रिवॉर्ड अनलिमिटेड ही चाहिए, क्या आप अनलिमिटेड होल्ड कर सकते हो? खुद अपने आप से पूछिए, 5,000 दिखे नहीं कि आप निकाल देंगे, फिर भले वो 50,000 बन जाए, खुद से पूछिए। लेकिन अगर लॉस दिखा तो फटाफट से निकाल देंगे, वो होल्ड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपका इमोशन बीच में आ जाता है। दोनों चीज़ें आप यही कर रहे हैं, लॉस तो बड़ा होल्ड करेंगे कहीं ऊपर ना जाए, ऊपर ना जाए, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है वहाँ पे आपका जो इमोशन है, ये स्ट्रेटजी इमोशनलेस है, जो आपके लिए एक अमृत की तरह साबित हो सकती है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से। अभी मान लीजिए ये कंडीशन है, आपने क्या किया, एक ऑप्शन बाय किया, एक ऑप्शन सेल किया, आपको मार्जिन लगेगा सिर्फ 30,000 रुपीज़। कोई भी ब्रोकर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, कहीं पे 23 लगेगा, कहीं पे 21 लगेगा, लेकिन 30 से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। ये इसको बोलते हैं स्प्रेड, क्या बोलते हैं? स्प्रेड। आपने एक स्प्रेड बनाया जिसको आपको मार्जिन लग रहा है 30,000। यहाँ पे आपका इमोशन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, अभी यहाँ पे अगर आप दो चीज लिया है, एक आपने बाय किया है, एक आपने सेल किया है, आपको सिर्फ आपको जानना क्या है कि आपका रिस्क कितना है, क्योंकि मार्केट में दो चीज़ें हैं, रिस्क है, रिवॉर्ड है। अगर आपने रिस्क को कंट्रोल कर लिया तो रिवॉर्ड तो आना ही आना है। अगर आपने रिस्क को कंट्रोल कर लिया कि आपका मैक्सिमम रिस्क इतना है तो बचा क्या, रिवॉर्ड, फिर आप उस पर फोकस कर पाओगे, वो तो आना ही आना है। आपको फोकस करना है रिस्क पे, आपका मैक्सिमम रिस्क कितना है। इन दोनों प्रीमियम का जो डिफरेंस है, इन दोनों प्रीमियम का जो डिफरेंस है वही आपका रहेगा मैक्सिमम रिस्क। ध्यान से समझिएगा, जो प्रीमियम आपने बाय किया है और जो आपने सेल किया है, सेल आप बाइंग से ऊपर का ही करोगे, चाहे वो 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, वो कौन सा करना है वो भी हम बात करेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो भले थोड़ा लंबा हो, लेकिन आराम से समझिएगा, ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल बदल सकता है। बहुत सारे लोग इसको यूज करते ही हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूँ, जो लोग नए अभी लॉन्च हुए हैं मार्केट में उनके लिए, जो अभी नए मोबाइल मार्केट में लॉन्च हुए हैं उनके लिए। सिंपल चीज, कैलकुलेशन भी करेंगे कैसे करते हैं आप। सिंपल कैलकुलेशन ये समझ लीजिए कि जो आपका बाइंग प्रीमियम है, बाइंग प्रीमियम माइनस सेलिंग प्रीमियम इज इक्वल टू योर मैक्सिमम रिस्क। बस इतना समझ लीजिए पहले, रिवॉर्ड हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। आपको अपने को क्या करना है, सबसे पहला रूल, रिस्क को कंट्रोल करना है। आपको यहाँ पे रिस्क पता चल गया कि 175 माइनस 100 इज इक्वल टू 75 इंटू 75 इज इक्वल टू 5625। ये हो गया आपका मैक्सिमम रिस्क। अब मान लीजिए आपने ये कैरी फॉरवर्ड किया है शुक्रवार को, मंडे अगर मार्केट -5% भी खुली, सर्किट पे -5% भी खुली, मार्केट चाहे कुछ भी कर ले, 5625 से ज्यादा आपके पास से अठन्नी भी नहीं ले सकता। आपके पास से 5625 से ऊपर अठन्नी भी नहीं ले सकता, ये आप कैलकुलेट कर लगते हैं कैसे। अभी हम थोड़ा इरेज करके यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, पहले मैं आपको इसको और देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैं आपके लिए इतना टाइम दे रहा हूँ तो आप सीखने के लिए भी टाइम दे सकते हैं। अगर मैं सिखाने के लिए इतना डीप जा रहा हूँ बिना किसी लालच के, तो आप भी सीखने के लिए, लालच की वजह से सीखने के लिए आ रहे हैं ना, सीखने में लालच होने ही चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट को, अगर आप कहीं सीखने जा रहे हैं उसमें लालच रखिए ही रखिए, क्योंकि लालच होगी तो आपके लिए क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, और आपके लिए जो है ना वो अंदर से कि मुझे करना है सीखना है वो बढ़ेगा। लालच सीखने में लालच रखिए, और सिखाने में कभी लालच मत रखिए। सिखाने में लालच रखेंगे तो पूरा आप स्टूडेंट को कभी नहीं दे पाएंगे, सिर्फ आधा अधूरा ही देंगे,
यानी कि मैं आया, ये बोल दिया 14900 का बाय कर लो, इसको सेल कर दो। क्यों बाय करना है भाई, क्यों सेल करना है ऊपर का? नो मीनिंग, क्योंकि मैं लालच से पढ़ा रहा हूँ? नहीं, लेकिन पढ़ने में जब आप पढ़ सीख रहे हैं तो लालच होना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ सब चीज़ सीखोगे लालची होके। जब पढ़ा रहे हो तो लालच नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ पढ़ाइए कि मुझे देना है बस, क्योंकि अगर मेरी वजह से एक का भी भला हो जाएगा तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। अभी वो छोड़िए ज्ञान की बातें, सिंपल हमने किया क्या है, 14900 का एक कॉल बाय किया जिसका प्राइस था 175, और 15000 का एक कॉल सेल किया जिसका प्राइस था 100 रुपीज़। अब मैंने बताया क्या इसमें आपका मैक्सिमम रिस्क कितना है, 75 पॉइंट्स, यानी कि 5625 रुपये। कैसे, अब हम एग्जांपल लेके सुनते हैं। आपको पता है मैंने ऑप्शन के जो वीडियो बनाया था, सीई क्या बोलते हैं, पी क्या बोलते हैं, उसमें सिखाया था कि जब मार्केट में एक्सपायरी आती है तो वो उस प्राइस से जितना डिफरेंस होता है वो उसका एक्चुअल प्राइस बन जाता है। अगर अभी तक आपको वो नहीं पता कि एक्सपायरी के ऑप्शन की वैल्यू क्या होती है, तो फटाफट से सीपी वाला मेरा वीडियो देख लीजिए, वो भी आधे घंटे का है, आपको उसके बारे में भी पता चल जाएगा। अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे, बहुत ही ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा, क्योंकि जो लोग वो देखे हुए हैं उनके लिए बोरिंग हो जाएगा। अभी मान लीजिए एक्सपायरी आती है 14500 पे, एक्सपायरी आती है 14500 पे, आपने तो बुलिश व्यू लिया था क्योंकि आपने नीचे का कॉल बाय किया ऊपर का कॉल सेल कर दिया, 14500 पे आया, तो आपका यहाँ पे वैल्यू क्या होगा आपके स्प्रेड का, सिंपल चीज़। अभी यहाँ पे हमारे दो ऑप्शंस हैं, एक बाइंग एक सेलिंग, दोनों का मतलब क्या होता है, देखिए दोनों का वैल्यू क्या होगा। जो 14900 वाला था कॉल जो हमने बाय किया था 175 में, अगर कोई ऑप्शन आप बाय कर रहे हो तो आप बोलते क्या हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट में बने हुए हैं जहाँ पे आप बोलते हो कि मार्केट एक्सपायरी के दिन 14900 के ऊपर रहेगा, सिंपल आपका व्यू ये है, और इसीलिए आप एक प्रीमियम पे करते हो ऑप्शन सेलर को। क्यों? क्योंकि आप क्या बोलते हो कि अगर ये 14900 के ऊपर जितना भी रहा उतना पैसा आप मुझको दोगे, वो आप सेलर को बता रहे हो, और सेलर क्या बता रहा है कि अगर 14900 या फिर 900 के नीचे अगर ये रहा तो ये जो पूरा प्रीमियम आपने मुझे पे किया है ये भाई मैं खा जाऊंगा, मैं आपको 58 भी नहीं दूंगा। ये आपको ऑप्शन सेलर बोलता है जिसने ऑप्शन 14900 का सेल किया है, और अगर आप बायर होता बोल रहे हो कि मार्केट 14900 के ऊपर जाएगा इसलिए जितना भी जाएगा उतना आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए बोलते हैं कि ऑप्शन बायर हैज लिमिटेड रिस्क, क्योंकि आपका 175 से ज़्यादा जाना है नहीं, क्योंकि 14900 या फिर उसके नीचे जितना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सिर्फ 175 जाता है, लेकिन ऑप्शन सेलर को खोने के लिए सब कुछ है, फिर भी ऑप्शन सेलर ही पैसा कमाते हैं, सुना होगा आपने। चलिए तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट 14500 पे यहाँ पे एक्सपायर हुआ, यानी कि आपका जो 175 का प्रीमियम था वो हो गया ज़ीरो। वो क्या हो गया, वो हो गया ज़ीरो, यानी कि यहाँ पे आपको भी वो प्रीमियम हो गया ज़ीरो, यानी कि अल्टीमेटली आपको क्या हो रहा है, -175 का लॉस हो रहा है प्रीमियम का, जो आप नॉर्मल ऑप्शन बाय करते तो। लेकिन यहाँ पे आपने ऑप्शन सेल भी किया है उसका आप कैलकुलेट करते हैं। दूसरा ऑप्शन जो आपने 15000 का सेल किया था, ये था आपका ऑप्शन बाय वाला, यहाँ पे हम कर रहे हैं सेल, यानी कि आप ऑप्शन बायर भी हो और ऑप्शन सेलर भी हो। आप सेलर हो, आप सेलर हो, यानी कि आपने प्रीमियम लिया है, आप बोल क्या रहे हो कि अगर मार्केट 15000 के ऊपर नहीं गया, 15000 या फिर 15000 के नीचे रहा, ये जो मैं भाषा बोल रहा हूँ, अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट की भाषा समझ में नहीं आ रही है प्लीज़ जाके सीई क्या होता है उसका मेरा वीडियो देख लीजिए, आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। कभी भी कैलकुलेशन या फिर कोई भी चीज़ मैंने बहुत ही बढ़िया एग्जांपल से वो समझाया, कॉन्ट्रैक्ट बना के समझाया कि दो लोग बात कर रहे हैं, एक ऑप्शन बायर एक ऑप्शन सेलर, वो बात क्या कर रहे हैं, तो यार मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत ही आसान भाषा में, जिससे हर कोई जिसको ऑप्शन के बारे में ये भी नहीं पता वो भी आराम से समझ पाए। आपने क्या कहा यहाँ पे कि 15000, क्योंकि आप ऑप्शन सेलर हो, आपने क्या कहा कि मार्केट 15000 से नीचे रहेगा, जिसने भी ऑप्शन 15000 का बाय किया होगा वो बोल रहा है कि 15000 के ऊपर रहेगा, आपने बोला ठीक है लिखते हैं। अभी मार्केट रहा 14500 पे, तो ये जो 100 रुपये का प्रीमियम था, आप तो सेलर हो तो ये पूरा आपका हो गया, यानी कि आपका ये प्रीमियम रहेगा 100, यानी कि आपको +100 पॉइंट मिले। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 100 -175 = -75। मैंने क्या बोला था आपका रिस्क मैक्सिमम 75 पॉइंट्स, नहीं समझ आया, एक बार और देखते हैं। चलिए मार्केट 14800 पे क्लोज होता है, 14800 पे सेम 14900 के नीचे है, तो आपको 14900 वाले कॉल में क्या होगा, -175। आप शायद समझ गए, नहीं समझे तो
पिछले 5 मिनट फिर से रिवाइज कर लीजिए कि ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया। और 14,500 वाला जो 15,000 वाला जो आपने सेल किया था उसका वैल्यू हो जाएगा 0 अल्टीमेटली, यानी कि आपको प्लस 100 पॉइंट मिले। यहाँ पे भी क्या होता है, सेम चीज़ है, 175 माइनस 100 माइनस 175 इज इक्वल टू 75। आपको उससे ज़्यादा लॉस मार्केट दे ही नहीं सकता। अगर आपका लॉस फिक्स है तो आपके बीच में और आपके ट्रेड के बीच में इमोशन नहीं आएगा। भले कल 5% नीचे खुल जाए, अगले दिन 5% ऊपर खुल जाए, आपका ट्रेड वहाँ पे बना होगा, आपने पैनिक में वो निकाला नहीं होगा, क्योंकि आप पैनिक में फिर नहीं निकालेंगे। अब एक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट 15,000 जो आपने सेल किया है मार्केट उसके ऊपर क्लोज दे, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। 14,900 के ऊपर तो होगा ही, लेकिन 15,000 के ऊपर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम कितना होगा देखते हैं। मान लीजिए 15,100 पे मार्केट क्लोज करता है, अभी 14,900 वाला जो कॉल है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 15,100 से 14,900 की डिफरेंस क्या है, 200 का, तो ये कॉल बन जाएगा 200 रुपये। और 15,000 का जो आपने सेल किया था उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, उसकी वैल्यू बन जाएगी 100, उसकी वैल्यू बन जाएगी 100, सिंपल। तो यहाँ पे आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, आपने बाइंग किया था यहाँ पे 25 पॉइंट का, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे होता है 0, तो आपको शायद यहाँ पे 25 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, 1875 जितना आपको प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। शायद मैं इसमें गलत हो सकता हूँ, प्रॉफिट कैलकुलेशन थोड़ा मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मैं मेन फोकस करता हूँ यहाँ पे रिस्क कैलकुलेशन में। आपको आपका रिस्क पता होना चाहिए, क्योंकि आप मुझे पता है एक्सपायरी तक रखोगे भी नहीं और रखना भी नहीं चाहिए। आपको स्टार्टिंग से अगर आपका व्यू बुलिश है तो आपको स्टार्टिंग में से ही पैसा देना स्टार्ट कर देगा, और आप जब मन चाहे तब दोनों को साथ में निकालना। और आप मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप ये लॉस भी नहीं दोगे। कैसे नहीं दोगे, देखिए आपने 14,900 का कॉल लिया तो आपने कुछ व्यू देखा होगा कि मार्केट ने ये रेजिस्टेंस क्लियर किया है, मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया है, तभी आपने 14,900 का एक कॉल लिया और 15,000 का एक सेल किया 100 रुपीज में। आपका व्यू बुलिश होगा, आपने कुछ देखा होगा, तो आपका एसएल यहाँ पे मनी वाइज नहीं रहेगा। जो अब तक आप एसएल रखते थे मनी वाइज, वो एसएल नहीं रहेगा, लेकिन आपका एसएल रहेगा निफ्टी स्पॉट वाइज। कि मान लीजिए आपने देखा कि निफ्टी 14,800 के ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है, आपका व्यू बुलिश हो गया है, लेकिन आपको पता नहीं कि वो ब्रेकआउट फेल होगा या फिर राइट। अगर आपको कल सुबह पता चलता है कि ये निफ्टी नीचे आ रहा है, ब्रेकआउट फेलियर हुआ है, तो आप क्या करेंगे, ये जो सेलिंग वाली पोजीशन थी उसको आप रखेंगे इंट्राडे के लिए MIS में कन्वर्ट करके, और ये जो बाइंग वाली पोजीशन थी उसको आप रिमूव कर दोगे। ये थोड़ा एडवांस पॉइंट हो गया। तो आप अल्टीमेटली व्यू रॉन्ग होने के बावजूद भी आप डेफिनेटली कॉस्ट टू कॉस्ट और लिटल प्रॉफिट में निकलेंगे। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया क्यों, क्योंकि आपको इमोशन यहाँ पे रोल प्ले करने वाला है ही नहीं। जब आप स्प्रेड लेंगे तो इमोशन यहाँ पे रोल प्ले नहीं करता। आपने देखा होगा, आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल में देख लीजिए, मैं हर बार स्प्रेड ही देता हूँ ऐसे कि ये लो ये बेच दो, ये लो ये बेच दो, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इमोशन काम नहीं करता है। सिंपल चीज आपने देखा, सेम टू सेम। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा खुद का ट्रेड है, मेरा खुद का एक मंथली ट्रेड चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे यहाँ पे पोजिशन ओपन है। अब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, एक 14,000 का पी मैंने मंथली बाय करके रखा है थोड़े दिन पहले, जो मैंने बाय किया था 218 रुपये में। 14,000 का पी मैंने 218 में बाय किया था, अभी उस पी की वैल्यू क्या चल रही है, 61 रुपये चल रही है। क्या चल रही है यहाँ पे देखिए, 64 रुपीज चल रही है, यानी कि अल्टीमेटली मुझे 11,550 का लॉस यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं सिंपल ऑप्शन बाय करता, पी मंथली भले ही करता, पूरा मंथ मेरे पास है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे 11,000 का लॉस दिखता, क्या मैं ये होल्ड कर पाता? आप यहाँ पे होल्डिंग देख रहे हैं, क्या मैं होल्ड कर पाता? बिल्कुल नहीं कर पाता, मेरा 5,000 में ही फ्यूर आ जाता, मैं निकाल देता। लेकिन यहाँ पे साथ में देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर की पोजीशन मैंने 13,800 का एक पी 161 में सेल करके भी रखा है।
यहाँ पे अगर मैं नेकेड बाय करता तो मेरा ऑप्शन का जो वैल्यू है वो मुझे डीके हो जाता और मेरा यहाँ पे 11,000 का लॉस होता और मैं निकाल देता। लेकिन साथ में मैंने क्या किया हुआ है, 13,800 का मैंने एक पी सेल करके भी रखा है 161 रुपये में। अभी मेरा लॉस देखिए कितना चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2,733 रुपये। मेरे व्यू से मार्केट कितना चला है, मेरा व्यू था 14,000 के नीचे आएगा, अल्टीमेटली 13,800 के नीचे आएगा, मार्केट चल रहा है और यहाँ पे 1,000 पॉइंट ऊपर। मेरे व्यू से मार्केट 1,000 पॉइंट ऊपर चल रहा है, फिर भी मार्केट ने मुझे सिर्फ 2,733 का ही लॉस दिया। मेरे पास पूरा का पूरा अप्रैल मंथ है जीतने के लिए, मार्केट को रॉन्ग प्रो करने के लिए। अगर आपने नेकड बाय किया होता पीई तो क्या आप सर्वाइव कर पाते 11,000 के लॉस में? बिल्कुल नहीं कर पाते। लेकिन मैंने यहाँ पे स्प्रेड बनाया इसलिए नो इमोशन। मैं यहाँ पे मॉर्निंग में उठता हूँ, देखता हूँ पोजीशन, सो जाता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरे पास हेज बना हुआ है, मार्केट कुछ भी कर ले मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, इन दोनों का प्रीमियम का डिफरेंस कितना है, 218 - 161 57 रुपये, यानी कि 57 × 75 मार्केट 4,275 से ज़्यादा मेरे पास एक रुपया भी नहीं ले सकता। तो क्यों मैं पैनिक करूं? क्यों मैं पैनिक करूं अगर मार्केट कल के दिन 15,500 भी चला जाए और मुझे यहाँ पे 4,000 का लॉस भी दिखाए, मैं क्यों इसको निकालूं? मेरे पास पूरे के पूरे 30 दिन हैं, अभी भी पूरा मेरे पास मंथ है, मैं क्यों निकालूं? क्योंकि मेरा मैक्सिमम लॉस तो मुझे पता ही है, मेरा मैक्सिमम लॉस तो मुझे पता है, मैं क्यों इसको निकाल दूं? मेरे पास पूरा मंथ है मार्केट को रॉन्ग प्रूव करने के लिए। अगर एक भी नेगेटिव न्यूज आ गया तो मार्केट धड़ाक से नीचे गिर जाएगा, मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। बात समझ में आई आपको? इमोशन इसमें काम नहीं करता, ये बहुत ही बढ़िया चीज है कि यहाँ पे इमोशन काम नहीं करता है। आप एक आराम से पीसफुल मनी कमा सकते हो, सिंपल एज दैट। शांति से बैठिए, देखिए मार्केट भले ऊपर जाए, जूस पीते रहिए, अच्छा है, क्यों बात नहीं। ऊपर एक अगर आपका व्यू नेगेटिव ही है मंथली तो कोई बात नहीं, एक और स्प्रेड बना लेंगे ऊपर की ओर, ये तो अच्छे कॉस्ट में बन जाएगा। अगर अभी ये देखिए, अगर मैं नेचुरल प्राइस में इसका बताऊं आपको, अभी इसका 61 चल रहा है, इसका चल रहा है 40। अगर अभी मैं फिर से बनाऊं तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 1,500 का मैक्सिमम मुझे लॉस दिख रहा है। अगर मंडे मार्केट और ऊपर खुला तो मैं फिर से इस पेड ले लूंगा, क्योंकि मेरा व्यू तो अप्रैल के लिए नेगेटिव ही है। ये मेरा व्यू है, आपको नहीं लेना है, ये मेरा, क्योंकि मेरे पास 1,500 का तो मैक्सिमम लॉस बचा हुआ है और उसको भी मैं स्मार्टली मेंटेन कर सकता हूँ। आखिर के 15 दिन जब मुझे लगे कि मेरा लॉस हो ही चुका है तो मैं इसको आगे का ये जो पी है जो सेल किया उसको रहने दूंगा, ये निकाल दूंगा, फिर मेरा लॉस मेंटेन हो सकता है, आराम से हो सकता है। अगर मैं जीता तो बहुत ही अच्छा पैसा कमाऊंगा, बहुत ही अच्छा कमाऊंगा। तो सिंपल चीज़, इसीलिए मैं यहाँ पे आराम से इन दोनों को होल्ड कर पाया, यानी कि अगर मैं सिंपल इसको बाय कर लेता तो 11,550 का लॉस मैं नहीं देख सकता, नहीं झेल पाता और मैं निकल जाता। लेकिन मैंने साथ में एक सेलिंग भी किया है जो मेरा जो लॉस है उसको मेंटेन कर रहा है। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो इंट्राडे में आप विदाउट स्प्रेड काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अपनी पोजिशन को, डेफिनेटली एक आगे का ऑप्शन सेल करके ही जाइए, आपके पास एक इंश्योरेंस रहेगा। सिंपल चीज़, आपका भला चाहता हूँ, मैं खुद ही अप्लाई करता हूँ इसीलिए आपको मैं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं आपको हर बार स्प्रेड दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे इमोशन नहीं आता। वरना आप क्या, मैं भी यहाँ पे होता तो 11,000 का लॉस नहीं झेल पाता और निकल जाता, लेकिन मैंने स्प्रेड बनाया हुआ, मेरा सिर्फ 2,700 का भी लॉस दिख रहा है, क्यों निकलूँ मैं? मैं तो ना गेम हारा हूँ, 30 दिन है मेरे पास, क्यों मैं निकलूँ, क्यों मैं हार जाऊँ? क्या सदा क्या होगा, 4,000 रुपये लेगा और क्या लेगा, और वो भी मैं मेंटेन कर सकता हूँ, वो भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो फिर क्यों? इसीलिए ऑप्शन बाइंग कीजिए तो भी आप ऑलवेज हेजिंग के साथ ही कीजिए। ये हमने बताया था बियरिश, मेरा जो वो ये बताया बियरिश व्यू के लिए, सेम टू सेम बियरिश व्यू के लिए। अगर मार्केट चल रहा है 14,800 पे, आपको लग रहा है नीचे जाएगा, कोई बात नहीं, 14,600 का एक पुट ले लीजिए, 14,550 का, 500 का, 450 का, जितना आपका रिस्क उतना पुट सेल कर दीजिए, सिंपल चीज। जितना आप दूर का बनाएंगे उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाएगा, क्यों? उसका लॉजिक भी है, क्यों? आपको मैंने क्या बताया था, आपका मैक्सिमम लॉस क्या होगा,
बाइंग प्रीमियम, सब चीज लॉजिक से समझनी है, रट्टा नहीं मारना है, रात को उठा के पूछूंगा तो भी आना चाहिए, माइनस सेलिंग प्रीमियम इज इक्वल टू योर मैक्सिमम लॉस। अभी कहां पे रिस्क रिवॉर्ड बढ़ेगा, अगर आप 14,600 का पी बाय कर रहे हो 100 रुपए में और 14,550 का 50 पॉइंट नीचे का पी 80 रुपए में सेल कर रहे हो, आपका रिस्क हो गया सिर्फ 20 पॉइंट, 1500 रुपए, लेकिन आपका रिवॉर्ड भी कम हो जाएगा, आपका क्योंकि डिफरेंस कम हो गया, तो जितना डिफरेंस बढ़ा उतना बड़ा आपका प्रॉफिट भी होगा, लेकिन उतना बड़ा आपका रिस्क भी होगा। तो रिस्क बड़ा कब लेना है, यानी कि मान लीजिए मैं अभी 14,600 का एक पुट ले रहा हूँ और सामने सिर्फ 14,200 का सेल कर रहा हूँ पुट, ये मैं कब ले सकता हूँ, जब मेरा व्यू क्लियर हो। मैं इस ये जो छोटे रिस्क वाले चीज़ आपको अभी यही करना है, 50 पॉइंट का गैप से ही सब कुछ करना है, प्रैक्टिस कीजिए। जब आप 10 में से आपको मैनेज करना भी आना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि मैनेज कर सकते हो नहीं, एडजस्टमेंट कर सकते हो नहीं, सब चीज़ आ जाए, आप 100 में से 17 बार या फिर 80 बार जीतो, फिर आपको गैप बढ़ाना है कि 50 पॉइंट का था अभी 100 पॉइंट के बीच में बनाऊंगा, 150 पॉइंट के बीच में बनाऊंगा, तभी आपको अपने रिस्क को बढ़ाना है। उससे पहले आपको फोकस एक ही चीज़ में करना है, वो है रिस्क। प्रॉफिट भूल जाइए, सब भूल जाइए, रिस्क पे आपको फोकस करना है, सिंपल है सर, और कोई भी चीज़ आपको ध्यान पे रखना नहीं है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ऑप्शन सेलिंग भी हेजिंग के साथ कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी बढ़िया है हमने डेवलप किया है यहाँ पे, मतलब है ही मार्केट में अवेलेबल, लेकिन उसका लॉजिक प्योर आपको नहीं दिख रहा, जो अगर आपने वीडियो देखिए कुछ समझा है, अगर आपको ये हेल्पफुल रहा है डेफिनेटली वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना व्यू कमेंट सेक्शन में बताएगा, तो मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू, नमस्कार।